झूलेलाल, सतनाम साखी। मेरा नाम पंडित भूपेंद्र शर्मा है, मैं आगरा से हूँ। आज संत श्री देवराम आश्रम जो कि केदारनगर में है, वहाँ यज्ञोपवीत, सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जनेऊ संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। कल एक दिन पूर्व यानी कि यज्ञ हुआ था, वो लोक कल्याण के लिए हुआ था, जो हमारे महात्मा जी श्री भगत प्रकाश जी जयपुर क्षेत्र से, जयपुर नगर से आए हैं। उनका यही कहना है कि लोक कल्याण के लिए प्रति वर्ष यज्ञ और प्रतिदिन यज्ञ होने चाहिए, जिससे निरोगता रहती है और जो भी हमारे या उनके शिष्य है या जो भी भारतवर्ष के निवासी है, धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। जय झूलेलाल। मैं पंडित विकास महाराज आगरा से। आज सदगुरु स्वामी देवराम आश्रम केदारनगर में 20वां यज्ञोपवीत संस्कार एवं 29वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल की भांति या प्रतिवर्ष बच्चों के यज्ञोपवीत होते हैं। जैसा कि आपको समक्ष पता ही रहता है कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि मुख्य संस्कार यज्ञोपवीत होता है। बच्चों के यज्ञोपवीत करने के बाद ही उनको सनातन धर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए आज हम पूरे समस्त आगरा के ब्राह्मण लोग यहाँ एकत्रित हुए और सदगुरु देवराम आश्रम में यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं। भारद्वाज सिंधी समाज से पुरोहित आज समस्त अपने ब्राह्मण बंधु के साथ में श्री देवराम जी दरबार में यज्ञोपवीत संस्कार कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सभी बच्चों के ऊपर प्रभु की कृपा, गुरु की सदकृपा बनी रहे, इसी इच्छा के साथ में हम समस्त ब्राह्मण लोग उन्हें आशीर्वचन के साथ में यज्ञोपवीत कराएंगे। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है, ये 3 कच्चे धागों का होता है। कहने के लिए सिर्फ कच्चे धागे होते हैं, लेकिन समस्त देवी देवताओं का इसमें वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नवग्रह मंडल आके माता ब्राह्मणी सरस्वती के रूप में उसको गाड़ लगा देती है, उससे हमारा यह जनेऊ तैयार होता है। इसी शिक्षा के साथ में बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने सभी का संस्कार के रूप में सभी का ध्यान रखें और मर्यादा का पालन करें। श्री राधे। राधे, क्या नाम है? मेरा नाम रमला साजनानी और लालवानी। आप सतनाम साखी, सबको सतनाम साखी। हमारा यहाँ वार्षिक उत्सव 29 साल से हो रहा है और 20 साल से हमारे इधर जनेऊ और शादी संस्कार होता है। हम लोग गुरु महाराज आके यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों को उन्हीं की प्रेरणा के कारण हम लोग सेवा करवाते हैं हमसे, क्योंकि ये तो गुरु महाराज की कृपा है जो हमसे सेवा करवाते हैं। मालिक के करोड़ अरब शुक्राना है जो हमें काबिल बनाया है और हमें ये मौका देते हैं। हम यहाँ आकर सेवा करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। संगत दूर दूर से कई शहरों से आती हैं और आके यहाँ पर आशीर्वाद ढेर सारा लेते हैं।